और हिंदी की जो सीमाएं हैं उसको शब्दों में घेरा नहीं जा सकता है। लेकिन लालू यादव को जरा पूछिए कि जब चुनाव आता है उनके पास एक ही शब्द होता है आरक्षण, जिस आरक्षण को कभी उन्होंने लोगों को दिया ही नहीं। 15 साल वो राजकीय विहार में पति पत्नी मिला करके, 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कहाँ आरक्षण खत्म हो गया। तो लालू जी की बात मत करिए, लालू जी को अपने गिरेवान में झांकना चाहिए। वो बेटियों के साथ, वो ऐश्वर्य राय के साथ क्या किया तेज प्रताप ने और उनके परिवार के लोगों ने। DPS में पढ़ रहे थे, प्रतिष्ठित स्कूल में दिल्ली के अंदर, कम से कम 10th तो कर लिए होते हैं। उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो उनकी धर्म पत्नी है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, 4 जून को नतीजे आएंगे। तीसरे चरण को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और तमाम पार्टियां तीसरे चरण की मतदान को लेकर, जो 7 मई को मतदान डाले जाने को लेकर, दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है, ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास हिंदी में 1.5 लाख शब्द है, नरेंद्र मोदी के पास मात्र 4 से 5 ही शब्द हैं बोलने के लिए। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा जी। जीवेश मिश्रा जी, लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है कि हिंदी में 1.5 लाख शब्द है, मोदी जी के पास सिर्फ मंदिर और मस्जिद करने के लिए। लालू जी को ये मालूम कैसे चला कि 1.5 लाख शब्द है? हिंदी तो शब्दों का भंडार है और हिंदी की जो सीमाएं हैं उसको शब्दों में घेरा नहीं जा सकता है। लेकिन लालू यादव को जरा पूछिए कि जब चुनाव आता है उनके पास एक ही शब्द होता है आरक्षण, जिस आरक्षण को कभी उन्होंने लोगों को दिया ही नहीं। 15 साल वो राजकीय विहार में पति पत्नी मिला करके, और 15 वर्षों में बिहार के अंदर पंचायती राज में उन्होंने रिजर्वेशन नहीं लाया। 15 वर्षों में उन्होंने कोई रिजर्वेशन देने का काम किसी को नहीं किया। तो उनको जब भी चुनाव आता है तो केवल आरक्षण दिखता है और आरक्षण पर झूठा प्रचार फैलाना शुरू करते हैं, और उनके लोग जो हैं कुछ उस बात को दुष्प्रचार में बदलने का प्रयास करते हैं। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कहाँ आरक्षण खत्म हो गया। तो लालू जी की बात मत करिए, लालू जी को अपने गिरेवान में झांकना चाहिए। लालू जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं है। लालू जी एक घोषित अपराधी हैं, लालू जी कोर्ट के द्वारा घोषित अपराधी हैं, सजा पाए हुए अपराधी हैं, और ऐसे लोगों को एक बेदाग प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वप्रिय प्रधानमंत्री, मनप्रिय प्रधानमंत्री, जनप्रिय प्रधानमंत्री, अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे प्रिय नेता के ऊपर कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बयान जारी किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी का जो एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बलात्कारियों को बचाओ और देश से बचाओ। और राजवल्लभ यादव क्या किए थे उनके यहाँ? जो सजा होने के बावजूद उनके लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं वो लंबी लिस्ट है, उन लिस्टों में ना जाए, उनके घर परिवार में ऐसे लोग निकल आएंगे। वो बेटियों के साथ, वो ऐश्वर्य राय के साथ क्या किया तेज प्रताप ने और उनके परिवार के लोगों ने, क्यों बुलवाते हैं? मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूं, हमारे राजनीतिक फितरत में ये बात नहीं है। किसी पर आरोप लगाना और उसकी जांच करना, ये विषय कोर्ट का है, अनुसंधान का है, उसके पहले उस पर छिटा कसी करना ये आपके मानसिकता को दर्शाता है। जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई भी व्यक्ति हो। नरेंद्र मोदी की सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में, न कोई किसी को बचाता है न किसी को छिपाता है। कोई भी अपराधी होगा, वो कहीं का होगा, किसी दल से संबद्ध होगा, वो बचेगा नहीं, ये बात आप लिख कर रखिए नीतीश कुमार। और जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सवाल है तो तेजस्वी यादव जी को जरा हिंदुस्तान का डेटा अध्ययन करना चाहिए कि आज बेटियों का जन्म दर बढ़ा है, मृत्यु दर घटा है। तेजस्वी यादव जी को अध्ययन करना चाहिए, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए कि जो ये नारा आया उस नारा पे जब काम हुआ
तो देश के अंदर बेटियों का रेशियो जन्म दर बढ़ा और आज बेटे बेटियों के बीच का संतुलन कायम हुआ है। तेजस्वी जी को ये बात पढ़ना चाहिए। जिस तरह से वो पप्पू यादव पूर्णिया में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पप्पू यादव बीजेपी और आरएसएस के संपर्क, तो वो क्यों बोल दिए पूर्णिया के अंदर कि हमको वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को दे दीजिए, क्यों बोल दिए? वो तो एनडीए का प्रचार कर रहे थे पूर्णिया जाकर, क्या नहीं किया उन्होंने? अपने मानस से पूछ लें, ऐसा उन्होंने नहीं बोला? पप्पू यादव तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, हमारे प्रचार तो स्वयं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के वोटरों को भी समझ में आ रहा है कि एनडीए को ही वोट देना है लोकसभा चुनाव में, ये बात उनके वोटर को अच्छे से समझ में आ रही है। आप चलिए हमारे यहां देख लीजिए दरभंगा मधुबनी में, वो जिन पर दंभ करते हैं वो वोटर हमको वोट कर रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा दरभंगा मधुबनी झंझारपुर का परिणाम आपको दिख जाएगा, फिर हम लोग बैठकर बात कर लेंगे। आप लोग तो 400 पार के नारे लगा रहे हैं, वहीं घटक दल नीतीश कुमार कह रहे हैं 4000 के पार। 400 कहीं टंग स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा तो उसको आप कमेंट में नहीं ले सकते हैं, बोलने के क्रम में कई बार हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। लेकिन इतना तो तय है कि भारत की महान जनता ने एनडीए को 400 पार कराने का मन बना लिया। एक आखिरी सवाल, लगातार विपक्ष हमला है, वो कह रहे कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर क्यों नहीं दिख रहे? विपक्ष कहीं दिख रहा है क्या? नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कई मंच साझा किया है, उनकी याददाश्त कमजोर है, वो थोड़ा उस पर ध्यान दे। याददाश्त ठीक रहता तो 9वीं क्लास में फेल नहीं हो जाते, वो डीपीएस में पढ़ रहे थे प्रतिष्ठित स्कूल में दिल्ली के अंदर, कम से कम 10th तो कर लिए होते हैं। उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो उनकी धर्म पत्नी है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, कम से कम इनको संभाले, कम से कम शब्द को, शब्दों का ज्ञान तो इनको दे। तजुर्बा शब्द नहीं बोल पाए, तजुर्बा को तरबूजा कह रहे थे, तो घर से निकलने के पहले थोड़ा रियाज करा ले, कठिन शब्दों का रियाज उनको करवा दिया करें, कम से कम इतना तो हम सफर हैं तो इतना मदद तो करें राजनीति में उनका। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक है जीवेश मिश्रा, तमाम सवालों को जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट व्यूअर से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।